हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टंबल गाइस वीडियो। तो आ चुके हम लोग एक और गेम प्ले के साथ। गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा गेम प्ले, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो गाइस चालू होने से पहले ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला राउंड आ चुका है पिवट पुश, जिसमें हमें तीन हैमर से बचते हुए जाना है। और यहाँ पर अगर हम लॉबी देखें तो पीछे की लॉबी थोड़ी बॉट वाली लग रही है, आगे की लॉबी थोड़ी प्रो वाली लग रही है। तो हम हैं इसके बीच में फंसे, अब देखते हैं क्या होता है। आजकल थोड़ा सा नेट भी मेरा सही चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, तब भी मैं झेल लूँगा, झेलना ही पड़ेगा वैसे तो। और मेरा फायर वाला इफेक्ट कैसा लगा गाइस आपको? आजकल मैं ये लगा रहा हूँ और आप बोलोगे तो चेंज भी कर लेंगे। वैसे स्कल वाले भी हैं अलग अलग के, सारे अपन लगा के देख सकते हैं एक एक करके, और एक आध दिन स्पेशल स्किन से भी खेल के देख लेंगे। और यहाँ पे हमने हैमर्स क्रॉस कर लिए गाइस, और ये वाले हैमर भी क्रॉस कर लिए बहुत ही आसानी से। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से हर बार की तरह हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो पेंट स्प्लैश में स्वागत हो चुका है हमारा। और ये रूलर पिछली बार मुझे याद है लेफ्ट साइड में जाने को तरसा रहा था, लेकिन इस बार मैं तब भी राइट साइड से गया। लेकिन लास्ट राउंड में मैं ये फोकस रखूंगा कि लेफ्ट साइड से जाऊं, क्योंकि वहां पे ज़्यादा खाली रह रहा है पता नहीं कैसे। और इधर मुझे रुकना चाहिए, इधर रुकना चाहिए। ये क्या था भाई, मेरे ग्रीन स्केलेटन, इसने क्या ही ट्रिक करी यार। मतलब ये कॉपी करनी पड़ेगी और इसको टिप्स एंड ट्रिक्स में डालना ही पड़ेगा। मतलब बहुत ही तगड़ी ट्रिक थी, और मैंने भी बहुत अच्छी ट्रिक करी है गाइस। वैसे मैंने भी कुछ ऐसे ख़राब नहीं किया, बहुत सही चीज़ करी है। और यहाँ पे हम चारों एक साथ अंदर आ चुके हैं, और मैं जल्दी से अंदर निकल लेता हूँ अब। तो हमारा पहला फाइनल आज का है हनी ड्रॉप गाइस, और हनी ड्रॉप पे हमें जीतना ही पड़ेगा क्योंकि इमोट किसी के पास भी नहीं है। तो मुझे आज जीतना ही पड़ेगा गाइस। स्टार्टिंग में बस देखना है कि कौन कौन कहाँ खाली कर रहा है, और आधे लोग तो अभी से गिर गए। ये लोग इधर आएंगे और ये खाली कर देंगे, इसलिए मुझे ये वाली साइड जाना चाहिए। ये वाली साइड थोड़ी सेफर है। और बाकी लोग कहाँ चले गए, लग रहा है सबके सब नीचे ही गिर गए। चलो ये सारी टाइल अब मेरी गाइस। और ये जो पेड़ रहता है ना, इसके पास कभी भी यार कूदना मत, क्योंकि आपको सीधे नीचे धक्का दे देगा। कभी भी आप करोगे ना तो ये ज़रूर ध्यान में रखना, ये पेड़ के पास आपको कूदना है ही नहीं, क्योंकि आपको सीधा नीचे धक्का मारता है गाइस। आप नीचे भी गिर सकते हो डायरेक्ट, इसलिए पेड़ के पास कोई ट्रिक मत करो। देखो ऐसे खड़े रहो, मैं आपको कूद के दिखाता हूँ। देखो मैं कूदा, ये देखो इसने धक्का मार दिया। तो जो पीछे वाली टाइल थी ना, वो भी अपनी वेस्ट हो गई, इसलिए यहाँ पर नहीं कूदना चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया, आगे से आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आपका क्राउन लूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। अभी मैं देखता हूँ नीचे का कहाँ बचा यार, नीचे पूरा खाली कर दिया इन लोगों ने, और इतना ख़राब खाली किया है ना कि मेरे पास टाइल है नहीं, सीधे लास्ट वाला फ्लोर है। और यार यहाँ वाले पर ज़्यादा यार, ये बंदा जीत जाएगा मुझे लग रहा है, अगर इसने मुझे देखा होगा ना। चलो ये तो जीत ही गया, इसके पास ज़्यादा टाइल है मेरे से, लेकिन अगर शायद ये नीचे नहीं पहुँच पाए, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे ये नीचे गिर गया यार, शायद से इसने मुझे क्राउन दिया यार। बहुत बहुत थैंक यू यार क्राउन देने के लिए ग्रीन स्केलेटन, मुझे नाम तो दिख नहीं रहा लेकिन थैंक यू। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट गेम में गाइस, आ जाओ। और इस बार स्टार्टिंग हुई है स्पिन गो राउंड से, और अगर आपको ये वाला राउंड पार करना है ना गाइस, तो बस ये स्टार्टिंग का पड़ाव क्लियर कर लिया करो। ये जो पड़ाव है ना, यही सबसे मुश्किल रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और भीड़ में और मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर तो आप इतनी ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो ना, बस ये रूट ले लिया करो जो मैं ले रहा हूँ। और यहाँ पर मेरा जंप दबा नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी भी मैं फर्स्ट पे हूँ। ये लोग रहे कहाँ गए यार, बहुत धीरे धीरे नहीं आ रहे क्या, क्योंकि ये लोग बॉट है भी नहीं, तो लोग इतने धीरे आ क्यों रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत ही आराम से आ रहे हैं ये लोग, देखो बिल्कुल ही आराम से, मुझे रुक के देखना पड़ेगा बॉट तो नहीं है। और ये सब तो मुझे रियली लग रहा है, देखो हाय हेलो कर रहे हैं लोग, तो फिर क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत क्या हो रही है। और ये टीम मैप यार, ये कब हटेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। टीम मैप पे टीम मैप आते जाते रहते हैं, और ये रॉकेट में तो अब मुझे भी रॉकेट पड़ने वाले लग रहा है। लगता है अभी पड़े नहीं है, बाद में पड़ेंगे। जब तक नहीं पड़ रहे ना, मैं जाके ये उठा लेता हूँ। सामने से एक बंदा आ रहा है, इसको उड़ा दो, और ये उड़ा नहीं, सीधे आके फ्लैग में गिर गया। इधर आते हैं, और यहाँ पर मुझे हटना पड़ेगा, और हट गया मैं। मेरे को मालूम था ये रॉकेट मारने वाला है, अभी इन दोनों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया रॉकेट मारा है यार, किसने मारा था। ये वाला फ्लैग ऊपर हो गया, 6-6 के ड्रॉप चल रहे हैं, आधे उन लोगों ने ले लिया आधे हमने ले लिए, लेकिन बाकी अब हमें लेने पड़ेंगे। ये मैंने उड़ा दिया दो लोगों को, पता नहीं उड़े कि नहीं, एक शायद अभी भी खड़ा है। अच्छा वहाँ जा रहा है ये वाला मैं उठा देता हूँ जब तक। सामने से बंदा आ रहा है, रुको यहाँ पे थोड़ा सा डॉज मारना पड़ेगा, और अब इन लोग को हटाना पड़ेगा। भाई हट जा मेरे, और यहाँ पे आते ही जा रहे यार सब, इस साइड ही आ रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा गाइस हमें, ये जो ड्रॉ चल रहा है ना, ये ड्रॉ से मुझे डर लगता है, क्योंकि ड्रॉ में कभी भी हम लोग हारने लग जाते हैं। और यहाँ पर हम दोनों नीचे गिर गए यार, और ड्रॉ के बाद अब तो हारने ही लगे। और ये कौन है, रॉकेट हवा में ही मुझ में चला दिया भाई। चलो मैं और लेट हो चुका हूँ,
और मुझे लग रहा है आज हार पक्की है गाइस। ये वाला तो सही है, आगे वाले को खड़ा करते हैं। ये वाला ब्लू हो रहा है, इसको हम येलो करते हैं। हम दोनों खड़े रहते भाई, तू खड़े रहे, मैं इन दोनों को साइड करता हूँ जब तक जाके। और इसको मुक्के से बाहर नहीं करना था यार, ये गलत किया मैंने और इसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हाय बोल देते हैं और इसको छोड़ देते हैं अब। और ये येलो रॉकेट कहाँ से आया भाई? चलो यार टाइम पास बहुत हो गया, 30 सेकंड बचे हैं बस, मुझे जल्दी से इन लोग को साइड करना पड़ेगा यार। हम लोग अभी भी एक पॉइंट से पीछे ही चल रहे हैं, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ ना। और वो एक पॉइंट अब 2 पॉइंट हो गया है, फिर से 1 पॉइंट हो गया है। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, हर जगह मुझे ब्लू ही ब्लू दिख रहा है और उनके पाले तक तो मैं पहुँचा भी नहीं यार अभी तक। सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं, ऑलमोस्ट मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ये वाला फ्लैग पहले एक एक करके हटाना पड़ेगा। 10 सेकंड में कमबैक हो सकता है क्या गाइस? देखते हो पाता है कि नहीं। ये वाला फ्लैग नीचे करो जल्दी से, ये कर दिया हम दोनों ने। और ये जैसे ही उठेगा ये 6 हो जाएगा हमारा। और इसको हटाओ, और ड्रॉ हो गया शायद, लेकिन क्या हुआ पता नहीं यार, कुछ तो हुआ। एक फ्लैग हमारा हल्का सा नीचे हो गया होगा और उसका पॉइंट हट गया और हम लोग बाहर हो गए। तो न्यू गेम में आ चुके गाइस हम लोग जंगल रोल में, और इस बार चलते यार क्वालिफाई करने के लिए। इस बार भाई टीम मैप मत दे देना यार, टीम मैप जैसी देते ना मैं बाहर ही हो जाता हूँ, क्योंकि यार पता नहीं क्या होता है टीम मैप मेरे में लक है ही नहीं, बाहर होना ही है। और ये नूबड़ कौन है भाई? ये कौन था यार आके मार के चला गया भाई? मतलब इसका तो कुछ करना पड़ेगा, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। और लगता है ये नीचे गिर गया, चलो छोड़ो मैं जाता हूँ अंदर। ये तो नहीं था ना, नहीं ये नहीं था, वो शायद ब्लू कलर का कपड़ा पहना था, निंजा था ब्लू कलर में, तो ये नहीं था वो। मैं तो अभी सबसे आगे हूँ, इससे पहले वो आ जाए ना मैं यहाँ से निकलता हूँ भाई, वरना ये ना मुझे मार मार के ना बाहर ही कर देगा। इससे पहले मैं ही निकल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि अपना जो क्राउन है ना अपने हाथ में गाइस। और ये मिट्टी में थोड़ा सा स्लो हो गया था मैं, कोई बात नहीं अभी पहुँच गया। चलो गाइस क्वालिफाई कर लिया है, अब दूसरे राउंड में बस झेलना है उस नूबड़ को। और ये टाइल फॉल आ गया यार इधर, मतलब इन लोग को मालूम है कि कहाँ पे मैं बाहर हो सकता हूँ ना, वहाँ पे ऐसी राउंड देंगे जहाँ पे हर बंदा ना मुझे मार के बाहर कर दे। अब ये देखो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और ये चालू हो चुका है यार, मैं कहीं से और से जाता हूँ, रुको कोई और यहाँ पे रास्ता बना दो भाई जल्दी से, इससे पहले वो आ जाए। जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, कोई तो बनाओ भाई, कहाँ गिरे जा रहे सब इधर उधर, मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं यार? मुझे लग रहा है यहाँ पे रास्ता बनेगा। देखो ये बना, ये पिंक वाले ने बनाया, बस थोड़ा सा आगे बना दिया भाई। ये इसकी नूबड़पंथी रुकी नहीं रही, दूसरे को ही मारा, ये बाहर कर दिया मैंने इसको। अब ये जब तक आएगा ना उससे पहले रास्ता बना दो यार, ये लक हमारा सही नहीं था, यहाँ पे बना दो गाइस जल्दी बनाओ। चलो बन गया, ये वाला भी देख लो चेक कर लो जल्दी से, हाँ हो गया हो गया। और मैंने इसको लात मारी क्यों भाई, मेरे को मुक्का मारना था। और हम दोनों बाहर, ये सही है गाइस, ये भी बाहर मैं भी बाहर, नूबड़ को अंदर जाने देना ही नहीं है। लेकिन मेरा गलती से ना किक दब गया, अगर पंच दबा होता ना तो मैं भी अंदर होता और नूबड़ भी बाहर होता। तो स्पिन गो राउंड फिर से गाइस, चलो हमें क्वालिफाई करना है जल्दी से यार, अभी तक हम लोग एक राउंड भी सही से जीते नहीं है, तो एक राउंड यार बनता ही है। चलो जल्दी आ जाओ गाइस जल्दी आ जाओ, और मैं आ गया हूँ इन चारों के साथ, मतलब इन तीनों के साथ आ चुका हूँ। और ये बंदा मेरी स्किन पे ना वेरिएंट, यहाँ पे पीछे से डंडा पड़ गया, पीछे से डंडा पड़ गया था तो मेरे को ऐसी लात पड़ी ना कि सीधे 4 गुलाटी मार के आगे गिरा हूँ। लेकिन अच्छा ही हुआ कि आगे गया था, पीछे नहीं गया, और बहुत ही आराम से मैंने क्वालिफाई भी कर लिया है। चलो और ये फ्लोर फ्लिप जब पिछली बार आया था तो आपको मालूम है क्या हुआ था, यहाँ पे इन लोगों ने हमें जाने ही नहीं दिया था, बस ये नहीं हुआ इस बार भी। तो ये इस बार भी यार वही हो रहा है यार, ये रिपीट कैसे हो सकता है यार, कोई तो ऊपर कर दो। चलो इस बार ऊपर हो गया, अच्छा इस बार कुछ डिफरेंट हुआ गाइस, इस बार एक बंदा निकल गया। अब क्या होगा पता है, वो अकेला जीत जाएगा, मतलब सेकंड राउंड में ही जीत जाएगा, मतलब क्योंकि ये लोग ऊपर करेंगे नहीं ना, तो मुझे आज कुछ तो करना पड़ेगा गाइस। उस दिन जैसा ये है नहीं सिचुएशन, वो बंदे को हम जीतने दे नहीं सकते, तो हमें कैसे भी जाना ही पड़ेगा यहाँ से। उसके लिए मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ये धीरे धीरे करके ऊपर कर रहे लेकिन पूरा नहीं कर रहे, लगता है इन लोगों के ऊपर चढ़ के जाना ही पड़ेगा। 999 IQ ट्रिक करनी ही पड़ेगी, तो आज अपन ये ट्रिक करने वाले गाइस जो आज तक नहीं हुई है शायद से स्टंबल गाइस की हिस्ट्री में। और मैं चढ़ गया हूँ और मैंने करी दी गाइस, पता नहीं कैसे करी, वो बंदा सीधा खड़ा था ना, मैं उसके ऊपर चढ़ के आया और सीधे मैंने ऐसी ट्रिक कर दी जो मैंने आज तक तो कभी करी नहीं थी और देखी भी नहीं थी। लेकिन मज़ा आ गया यार, मज़ा ही आ गया, इसी बात पर लाइक कर दो। और अभी एक और दिक्कत है गाइस, इससे पहले मैं पहुँचूँ, अच्छा ये तो यहीं अटका हुआ है, मेरे को डर लग रहा था कि मेरे पहुँचने से पहले राउंड नहीं ख़त्म हो जाए और ये बंदा क्वालीफाई नहीं हो जाए, इसलिए मैं नीचे करता हूँ। ये आए नहीं आए, मेरे को अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि टाइमर ज़्यादा बचा होगा नहीं, तो इसलिए मैं अंदर आ जाता हूँ, ये आ ही जाएगा थोड़ी देर बाद। और दो लोगों के बीच में एक फाइनल होने वाला है गाइस, जो कि हनी ड्रॉप में होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जाए 4th राउंड तक, हम इसे इतना लंबा खींचेंगे ना कि ये 4th राउंड तक जाए।
खाली ही नहीं करूंगा टाइल्स, इतने धीरे खेलूंगा ना कि आज तो मैं फोर्थ राउंड देख के रहूंगा गाइस। देखते हम लोग देख पाते हैं कि नहीं। मैंने चालू कर दिया है गेम और बिल्कुल ही धीरे धीरे खेल रहा हूँ। ये क्या है भाई, भाई यार मेरी बैटरी नहीं चले जाए यार, ये तो पहली बार हो रहा है मेरे साथ। आज तो कुछ भी हो रहा है गाइस, मतलब अगर मेरी बैटरी चली गई ना, चली क्या गई सोचो, अगर 15 या 10 तक भी आ गई ना तो ऐसा लैग होगा कि मैं खेल नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे कुछ भी करके ये जीतना ही है गाइस। अब ये कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा ये मेरे ऊपर नहीं है, मैं बस गेम को खींचते जाता हूँ और फोर्थ राउंड जल्दी से आ जाए बस। तो ये अगर पूरा देखोगे ना तो आप खतरनाक बोर हो जाओगे गाइस, इसलिए अपन इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मैंने कोशिश तो करी थी गाइस इसको बहुत लंबा खींचने के लिए, लेकिन वो बंदा नीचे गिर गया और हम लोग जीत चुके हैं एक और क्राउन। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना स्टंबल गाइस की वीडियोस के लिए। और अगर मेरे स्टंबल गाइस का पिछला गेम प्ले आपको देखना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है ना उसको दबा के देख लो।